कमांड देकर इसे वर्क करवाएंगे तो ये हम इस लेसन में अभी रीड करेंगे फाइन नाउ द फर्स्ट क्विजन ऑप्शन इज बैकवर्ड और बीके प्रेमेटिव बैकवर्ड का मतलब पीछे जाना पीछे वापस होना और इसको शॉर्टकट में बोला जाता है बीके प्रेमेटिव तो हम इसके लिए क्या करेंगे हम टाइप करेंगे बैकवर्ड करेंगे या बीके भी लिख देंगे और एक स्पेस बार एंटर करेंगे, स्पेस बार को प्रेस कर देंगे बटन आपका स्पेस बार मालूम है ना आपको इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑन आवर की बोर्ड और कितने स्टेप्स आप इसको करना चाहते हैं चलाना चाहते हैं लाइक like आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है बीके फोर्टी और इसको एंटर करने के बाद आप या तो एंटर को बटन को प्रेस करेंगे या एग्जीक्यूट बटन को क्लिक करेंगे और उससे हमारा जो टोटल है वो फोर्टी कदम आगे चलेगा फाइन बैकवर्ड नॉट सॉरी आगे नहीं पीछे की तरफ जाएगा ये ओके जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आगे नहीं गया टर्टल देखिए वो पीछे वापस मेरी हमारी तरफ आगे आई है ना तो इसी तरीके से हमारा कमांडर विंडो तो कमांडर विंडो में दिखाई दे रहा है ना मैं आपको प्री, प्रीवियस क्लास में बताया था काम वो ऊपर करेगा हमारी कमांड्स नीचे लिखी जाएंगी ठीक है तो इफ यू गिव द फॉलोइंग कमाउंड अगर हम माइनस फोर्टी भी लिख सकते हैं इट विल मूव द टर्टल इन फॉरवर्ड कंडीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बाय फोर्टी Steps करेगा ये okay. अगर हम उसको minus 40 लिख देंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा माइनस से अगर वो नीचे आया था तो वो दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा फाइन और लेफ्ट का मतलब क्या होता है एल टी प्रेमेटिव जो क्या करता है दैट इज यूज टू गो टू टर्न द the ऑफ in एंटी clockwise एंटी clockwise आपको घड़ी पता राइट की तरफ जाती है इसे कहा जाता है राइट की तरफ जाना क्लॉकवाइज और अगर हमारी घड़ी लेफ्ट में तो नहीं घूमती है ना तो दैट इज कॉल्ड हाँ बिल्कुल सही एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन टू अ लेफ्ट साइड अब मैंने देखो अपने टर्टल को मैंने एल टी नाइनटी बोला तो उसने अपने हेड को लेफ्ट में घुमा दिया उसने है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लिया बाय 90 डिग्री तक और नीचे हमारा अगर मैंने इसे राइट राइट यानी आर टी प्रेमेटिव अगर मैंने इसको आर टी बोला तो इसने अपनी जो पॉइंटेड नोक थी जो उसको राइट right में घुमा लिया 90 डिग्री तक फाइन हाइड करना हाइड का मीनिंग होता है बेटा छुपाना टर्टल को हाइड का मतलब क्या होता है छुपाना टर्टल को जिसकी शॉर्टकट होती है एच टी द टर्टल कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा बट सिर्फ दिखाई नहीं देगा स्क्रीन पे ठीक है होम प्रेमेटिव का मतलब ये है कि हाँ मेरा टर्टल मैंने सारा काम अपना फिनिश करवा लिया अब मैं उसको अपने घर में बिठाना चाहती हूँ होम घर होता है ना हाँ जी कि जहाँ से वो चलना शुरू हुआ था मेरा टर्टल मैं उसको वहीं होम कंडीशन पे होम पोजीशन पे ले जाना चाहती हूँ तो मैं क्या एंटर करूँगी लाइक आपके अपने एग्जांपल देखिए मैंने पहले फॉरवर्ड किया 80 डि स्टेप्स उसको फिर मैंने लेफ्ट दोबारा बुलाया 90 फिर मैंने फॉरवर्ड कर दिया फिफ्टी और उसके बाद मैंने सारा अपना ट्राइंगल बना लिया देन मैंने उसको होम यानी वो सेंटर में ही अपनी कंडीशन पे वो जैसे वो चलना स्टार्ट होता है वहां अपनी कंडीशन पे उसी सिचुएशन पे स्टैंड हो जाएगा फाइन और ये आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं यू हैव टू राइट इट इन योर बुक्स कंप्लीट करेंगे आप इनको ठीक है एस यू कैन सी दिस इज योर कंप्यूटर बुक ओपन इट नाउ ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से ये काम पूरा अपना करेगा स्क्रीन पे शो करेगा आपको ठीक है नेक्स्ट आपका है पेन इरेज पेन इरेज का मतलब क्या होता है इट टर्न्स द टर्टल इनटू एन इरेजर में इसको चेंज कर देता है दैट इरेजर दैट इरेजेस वॉट इट क्रॉसेज ओवर कि ये जिसके ऊपर भी चलेगा वहां पर उन सभी की लाइंस को इरेज करता रहेगा और ये किसके साथ यूज किया जा सकता है एफ डी और बीके इन दोनों में से एफ डी या बीके फॉरवर्ड या बैकवर्ड में से किसी भी प्रिमिटिव के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं द आउटपुट विल शो अ ब्रेक इन द लाइन में आउटपुट जो भी आप देखेंगे उसमें ब्रेक आपको दिखाई देगा क्योंकि वो क्या है पी -E, यानी पेन की वजह से आपको शो करेगा ये ओके नाउ यू हैव द ट्रू फॉल्स आपके नीचे स्क्रीन पे दिए हुए हैं दिस इज योर होमवर्क एंड योर आंसर इज कम लेसन इज कंप्लीटेड एंड यू हैव द आंसर्स ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैक् and योर ट्रू फॉल्स is also there मैच तो कॉलम है आपके मैंने इनके answers उनके सामने लिखे हैं आप भी इस तरीके से उनको कनेक्ट करेंगे बुक में आप लाइन स्केल से करेंगे आप उनको मैच के लिए और लेफ्ट का मतलब क्या होता है एल टी प्रेमेटिव जो क्या करता है दैट इज यू एंड दिस इज योर फोर्थ आंसर एंड फिफ्थ आंसर फ्रॉम हेयर यू हैव टू कम्प्लीट इट विद योर नोटबुक्स एंड copies 5 class